सबको बेवकूफ़ बना रही है, सबसे पैसे ऐड रही है। एक तरफ सब लोग बोलेंगे कि आप रो मत, हम तो आपके साथ हैं, आप इसी तरह खुश रहो, हैप्पी रहो, ये रहो वो रहो, और दूसरी तरफ वही लोग दूसरे लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो इसके तो रंग ही बदल गए, इसके तो तेवर ही बदल गए, इसके तो पैसे आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा, आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, किसी ब्लॉग का वीडियो नहीं लेके आई हूँ मैं, मेरा कोई टॉपिक नहीं लेके आई हूँ दोस्तों। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, टाइटल पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँगी। तो दोस्तों, अभी जो जेस्ट अभी ने यूरोप पे इतना ज़्यादा तबाही मच रहा है, इतना तबाही मचा हुआ है एक ही इंसान को लेके, तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इस बारे में बात करूं यूरोप पे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, यूरोप पे जब इतना ज़्यादा तबाही या कहीं भी तबाही मचती है ना, तो जब तक आपके मन में जो बातें हैं आप बोल लो ना, तब तक आपसे रहा ही नहीं जाएगा। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं क्यों ना जो मैं सोच रही हूँ, मेरा क्या विचार है, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि एक यूट्यूबर होने के नाते मेरा भी कुछ हक है कि मैं अपनी बातें यूट्यूब तक पहुंचा, यूट्यूब पे मतलब वीडियो शेयर करूं, आप तक पहुंचाऊं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये जो वीडियो है, मेरी ये जो बातें हैं आपको अच्छी लगेगी। कोई भी बात मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप लोग को चोट पहुंचाएगी, इस बात का मैं ध्यान रखूँगी ज़रूर। तो दोस्तों, तो मैं बात कर लेती हूँ दोस्तों, निधि की दुनिया जो है, निधि की दुनिया आजकल बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में चल रही है, समझ लो जैसे कोई कपड़ा होता है, कोई ज्वेलरी होती है ट्रेंड में चलता है, वही हाल निधि की दुनिया की हो गई है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उनका नाम यहाँ से यहाँ कब चढ़ गया किसी को पता नहीं चला, अभी फिर से वही चर्चे में आ रही हैं। तो दोस्तों, चर्चे का जो विषय है दोस्तों, मैं उसी बारे में बात करूँगी, और उनके पीछे बहुत सारे यूट्यूबर भी लगे हुए हैं, अकेली वही नहीं है, क्योंकि अगर इंसान बहुत ज़्यादा फेमस होता है या तबाही में घुस जाता है तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ रहता है, तो ही वो इतना ज़्यादा दूर तक पहुंचता है। अकेले सफ़र करना अकेले ही हो जाता है, यही बात होता है। तो दोस्तों, जो यूट्यूब की ये दुनिया है ना, कभी कभी पता नहीं किस लेवल में जाती है, किसी को नहीं पता, अचानक कौन सी वीडियो वायरल हो गई, किस मुद्दे पे क्या बात हो गई, किसी को नहीं पता, और उस चीज़ का सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे छोटा यूट्यूबर हो। तो मैं मुद्दे की बात करती हूँ दोस्तों, तो निधि की जो दुनिया है, जब स्टार्टिंग में उनका जो वीडियो वायरल हुआ था, उनके पति को लेके, उनके पति का डेथ हुआ था, उनके पति ने एक दो सॉन्ग गाए थे अपनी बीमारी के टाइम, उसी पे निधि ने भी दोहराया था, निधि ने भी अपने मतलब जो उनके पति के साथ रिलेशन था एक वीडियो के जरिए उन्होंने शेयर किया था, अपनी अंदर की फीलिंग दिखाया था। तो लोगों को उनकी जो बातें थी, उनका रोना, उनका वो जो गाना उनके हस्बैंड के साथ था, वो दिलों तक सबको चुभ गई थी। तो जब चुभ गई थी तो बहुत यूट्यूबर लोग ने, बहुत लोगों ने वीडियो बनाया था, उसमें से मैं भी एक हूँ, मैं नहीं बोलूँगी मैंने नहीं बनाया था, बहुत सारे यूट्यूबर ने बनाया था दोस्तों। तो क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में जो लोग वीडियो बनाए थे तो उन लोग उनके सपोर्ट में बनाए थे, दिल से बनाए थे, मैंने भी दिल से बनाया था, सपोर्ट में बनाया था, और मेरा यही इरादा था उन्हें सपोर्ट मिले, और कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि अगर वीडियो चल गई तो उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा और हमारा भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि हमारा भी जो YouTube चैनल है वो लोगों तक पहुंचेगा। तो ये मकसद दोनों का रहता है, अकेले ये नहीं कि हाँ खाली उनका ही, हाँ बहुत ज़्यादा बड़े यूट्यूबर हैं वो अगर हेल्प करते हैं तो उनका मकसद एक ही होता है कि वो उनका ही हेल्प कर रहे हैं। तो क्या हुआ था, जब निधि के बारे में सभी लोग ने वीडियो बनाए थे कोई, तो निधि उस वक्त जो लोग ने वीडियो बनाए थे सबको उसने थैंक यू बोला था। मेरे भी आप लोग जाके निधि वाली जो वीडियो है ना उसके कमेंट में आप जाके देखोगे, मैंने पिन किया है, निधि ने थैंक यू बोला है। तो स्टार्टिंग में जो लोग वीडियो बनाए थे निधि ने थैंक यू बोला था, फिर उसके यार दोस्तों सब जब सबके वीडियो वायरल होते गए, सबके वीडियो अच्छे खासे चलते गए, मेरे खुद के भी
लगभग शायद 20-25 हज़ार गए थे और बहुत मेरी फ्रेंड है उनको लाखों में गए थे। तो दोस्तों क्या हुआ था, अब जब निधि जो उसी वक्त वीडियो बनाए थे उसे लगा ये लोग मेरे सपोर्ट में बना रहे हैं, तो उसने सबको थैंक यू बोला। जब उसके बाद सब अपने फायदे के लिए वीडियो बनाते गए कि अरे निधि की वीडियो वायरल हो रही है, निधि के नाम पे वीडियो बनाओ वायरल हो रही है, हमारा चैनल ये हो जाएगा, मतलब मोनेटाइज हो जाएगा, व्यू अच्छे आएंगे, वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाएगा, सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो बहुत लोगों ने मतलब अनलिमिटेड लोगों ने वीडियो बनाया था। आप ही सोचो निधि किस किस को जाके थैंक यू बोलेगी और क्यों बोलेगी थैंक यू। आप सोचो जब आप अपने फायदे के लिए निधि को लेके वीडियो बना रहे हैं तो वो थैंक यू क्यों बोलेगी थैंक यू। उसने उन्हीं लोग को बोला ना जो लोग उसके सपोर्ट में बनाए थे, जिसको उसको लगा कि ये मेरे सपोर्ट में बनाए हैं, और जो लोग अपने फायदे के लिए बनाए जा रहे हैं उनको क्यों थैंक यू बोलोगी। ये एक मुद्दा मैंने ये भी नोटिस किया था, सब बोल रहे थे कि अरे निधि बदल गई है, निधि अब किसी को थैंक यू नहीं बोली, तो वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्योंकि आप अगर जो लोग ईमानदारी से वीडियो बनाए थे निधि को लेके निधि के सपोर्ट में, वो लोग निधि को पलट के नहीं देखे, क्यों नहीं देखे कि निधि की जो लाइफ है, जो चैनल है, जो वीडियो है, उसमें दखल अंदाजी किसी ने भी नहीं किया कि निधि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। सपोर्ट किया फिर वो उनका काम हो गया, वो अपने चैनल पर बिजी हो गए। मैंने भी सपोर्ट किया, मेरा काम हो गया, जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, मैंने बनाया। उसके बाद मैंने निधि की लाइफ में ताकना झाँकना मैंने टोटली बंद कर दिया। ऐसा नहीं निधि का नोटिफिकेशन आता है, अगर मुझे टाइम मिलता है, कुछ अच्छी वीडियो रहती है मैं देखती हूँ, नहीं मिलता है तो नहीं देखती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उसके बाद आई थी आरती की ब्लॉग, आरती जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, आरती का मतलब मैटर। आरती ने भी मुझे बोला कि प्लीज़ दी मुझे सपोर्ट करो, आपको यकीन नहीं होगा मेरे कई वीडियो, एक वीडियो में मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगी, अगर आपको यकीन नहीं होगा आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने उस बारे में वीडियो बनाया था, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं चला था, तो भी जो भी चला था तो थोड़े बहुत हेल्प निधि आरती को मिले होंगे, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। अभी भी उसको हेल्प की ज़रूरत है आरती को, तो अगर हो सके तो आप लोग जाके सपोर्ट कर सकते हैं, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, आरती ब्लॉग चैनल नाम है, मतलब आरती का चैनल का नाम है। तो दोस्तों अभी क्या है ना, निधि वीडियो बना रही है, निधि को पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ रहा है, फिर आय दर्ज कराना पड़ रहा है, उसको क्या क्या झेलना पड़ रहा है। अभी कल ही मैं वीडियो देखी थी, उसने टाइटल में लगाया था कि ये यूट्यूब वाले मिलके मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मार ही डालेंगे वगैरह वगैरह, रो भी रही थी जो कि आंसू नहीं गिर रहे थे, मैं जो सच्चाई रहता है वही बोलती हूँ, ऐसे मुँह बना बना के रो रही थी पर आंसू नहीं निकल रहे थे। तो क्यों पीछे पड़े हो यार, उस शायद कोई ऊपर आई थी उससे मिलने, हमदर्दी जताई अपने लिए भी और निधि के लिए भी, निधि ने हमदर्दी जताया उसको सपोर्ट के लिए, फिर क्या अभी क्या हो रहा है, जिसके सपोर्ट में आप वीडियो बना रहे हो, जिसका सपोर्ट करने के लिए, अगर दोबारा उसे पलट के नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हारे पीठ में छुरा लेके खड़ा है भोंकने के लिए। यही मैं नोटिस कर रही हूँ, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, अगर छोटे यूट्यूबर लोग का हेल्प किए हैं ना, तो वही यूट्यूबर बड़े लोग का जो छोटी मोटी बातें उन्हें पकड़ में आती है ना, वो बातें को पकड़ के वो वीडियो बना रहे हैं, अपने चैनल पर डाल रहे हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं और व्यू पा रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। अगर कोई तुम्हारा हेल्प किया है, अगर दोबारा वो नहीं कर पा रहा है या तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें टोटली इग्नोर कर दिया है। अरे यार उसका अपना खुद का चैनल है, अपना उसका खुद का घर है, खुद का बाल बच्चे हैं, खुद का परिवार है, उस पर भी तो ध्यान देना होता है। और अच्छा मान लो अगर वो ध्यान दे ही रहा है, अगर वो उसका चैनल नहीं चला, वो अपने चैनल पे नहीं फोकस कर पाया, तो तुम आके उसका सपोर्ट करोगी नहीं करोगी ना, तो ये सब मत करो। तो निधि जब रो रही थी तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा था, सवारे निधि बड़ी ये है, दुखी है, सपोर्ट करो। जब निधि को सपोर्ट अच्छा खासा मिल गया, जाहिर सी बात है जब सपोर्ट मिल गया तो इंसान खुल के रहेगा ना, इंसान मतलब दुखी क्यों रहेगा। जब जिसे सपोर्ट मिल गया हर चीज़ों से, प्यार से, पब्लिक से, सब्सक्राइबर से, पैसों से, सबसे सपोर्ट मिला है तो क्यों रोएगी। और उस पर से कोलैबोरेशन मिला है मिसू ऐप से, ये वो, तो अपना वो अच्छी पर्सनालिटी है, अपना प्रचार कर रही है, वो भी किसी से देखा नहीं जा रहा है, सब जले जा रहे हैं। और क्या हो रहा नहीं, एक जन उसके खिलाफ़ वीडियो बना रहे हैं,
फिर तीसरवा टारगेट हो जा रहा है बीच में, वो फंडा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक दूसरे पे बम छोड़े जा रहे हैं, वो बना रही है उसके पे भी आ रहे हैं, फिर वो रिपीट उस पे बना रही है, ऐसे ही किए जा रहे हैं। तो ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, ये तो सब व्यू के लिए हो रहा है ना, सब वही कर रहे हैं ना। अरे ये मैंने वीडियो बनाया, ये मैंने उसके खिलाफ़ बोला, और आजकल खिलाफ़ बोलो तो ज़्यादा व्यू आते हैं। अभी देखना मैंने ये जो बोला है, मेरे पे एक भी व्यू नहीं आएगा, मैं लिख के देती हूँ, कोई भी नहीं पूछेगा। क्योंकि अगर वही मैं निधि को गाली दूँ, आरती को गाली दूँ, सब अभी आरती को लेके ही मेरे जो मैंने वीडियो बनाया था मेरे चैनल के आरती वाले ब्लॉग पे, आप जाके देखो जो मैंने आरती के लिए बनाया है, उस पर आया कि दी आप आरती का हेल्प किए हो, आरती तो स्कूटी खरीद ली है, आरती बहुत चापलूस है, आरती सबको बेवकूफ़ बना रही है, सबसे पैसे ऐट रही है। अरे हमें दिख रहा है आरती का पैसे ऐट रही है, आरती का पति का ट्रीटमेंट चल रहा है, हमें आँखों से दिख रहा है, तो भी लोग भड़का रहे हैं, लोग आके उठ पटांग बोल रहे हैं। वही हाल निधि को है, तो निधि की खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है कि निधि क्यों खुश है। तो भैया अरे यार खुश रहेगी इन्हें, वो हमेशा ज़िंदगी भर रोती रहेगी। आप ही सोचो ना, वो टाइम रोने का था, उस वो ताज़ा ताज़ा था, रो रही थी, फिर सब लोग ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया। एक तरफ सब लोग बोलेंगे कि आप रो मत, हम तो आपके साथ हैं, आप इसी तरह खुश रहो, हैप्पी रहो, ये रहो वो रहो, और दूसरी तरफ वही लोग दूसरे लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो इसके तो रंग ही बदल गए, इसके तो तेवर ही बदल गए, इसके तो पैसे आ गए, ये आ गए वो आ गए। अरे वही तो हम भी करते हैं यार, अगर हमें भी वही आने लगता है तो हम भी तो करते हैं। हम किसी पर अगर आप एक उंगली किसी की तरफ उठा रहे हो ना, तो आप भूल जाते हो कि चारों उंगलियां आपकी तरफ है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो यार, किसी को टारगेट मत करो। अगर आपका कोई हेल्प किया है तो, अगर कभी कभी होता है हम उसे थैंक यू नहीं बोल पाते हैं, तो उस बात को कहावत आप लोग ने सुनी होगी कि कर्म करो फल की चिंता बिल्कुल ना करो। अगर आप सच्चे इंसान हैं तो अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल आपको ऊपर वाला ज़रूर देगा। और आप अगर आपको ये सब टारगेट करने से, ये सब रायता फैलाने से, तबाही मचाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, बहुत होने वाला है। एक दो वीडियो पे होगा, पूरा लाइफ स्टाइल अगर आप चैनल चलाना चाहते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ईमानदारी से करोगे तो आज नहीं कल आपको तरक्की मिलेगी और आप कंटिन्यू बने रहोगे। तो यही मुझे बोलना था दोस्तों, बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बातें हैं, बहुत लोगों के खिलाफ है बोलने के लिए, पर मैं एक ही वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आज मुझे यही लगा कि मैं बोलूँ, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करो। निधि हैप्पी है, उसको अच्छा खासा सच में थोड़े दिन में उसको अच्छे खासे सब्सक्राइबर आए, और उसके जो ये हैं लेबल है वो अलग हो चुका है, तो होगा ही यार, जाहिर सी बात है। तो प्लीज़ आप लोग अपने चैनल पे ध्यान दें, वीडियो बनाओ, मैंने बोली पर इतना हद तक टारगेट किसी को मत करो और खुश रहो। अब मैं यही वीडियो का एंड करती हूँ, आप लोग से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मैं अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय।